प्यारे साथियों, आज हम क्लास 12th में चैप्टर 3 मैट्रिक्स क्लास 12th चैप्टर 3। हमने पिछले वाली वीडियो में ये बताया था टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 पर बताया था कॉलम मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आप व्यू। डेफिनेशन होगी इसकी वो आप व्यू जिसमें सिर्फ एक स्तंभ होता है, एक स्तंभ होता है, स्तंभ आप व्यू कहलाता है या कॉलम आप व्यू मैट्रिक्स कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इन साधनों में कॉलम आप में सिर्फ एक कॉलम होगा। जैसे हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स को ए, इसमें सिर्फ हमारा एक कॉलम है, ये कॉलम है वर्टिकली, लाइन हमारी एक, इसी हम इसको बोलेंगे स्तंभ आप व्यू। क्लियर हो गया। अब आता है नंबर 2 रो मैट्रिक्स। पंक्ति आप व्यू कभी कभी बोर्ड में एक नंबर का डेफिनेशन पूछ लेता है, इसलिए डेफिनेशन तुमको याद रखना बहुत जरूरी है। विद एग्जांपल, रो मैट्रिक्स क्या होता है, वह व्यू वो मैट्रिक जिसमें केवल एक ही पंक्ति मीन्स रो होती है। रो मैट्रिक कहलाता है। एग्जाम्पल निर्को नाम दे दिया हमारा पी अभी को, इसमें हमारी सिर्फ एक रो है, ये वन रो है। कभी कभी ये पूछ लेता है रो मैट्रिक का एग्जांपल दो और उसकी कोटि बताओ। इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर मीन्स कोटि। क्या बताया था मैंने, एम इंटू एन, एम मीन्स पंक्तियों की संख्या, एन मीन्स स्तंभों की संख्या। इसमें पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति है, वन बाई कितने स्तंभ है इसमें, 1 2 3। तो मैंने ये रो मैट्रिक लिखा, इसका कोटि हो गया, ऑर्डर हो गया 1/3। क्लियर हो गया। ऐसे ही इसका अगर इसका भी पूछे ऑर्डर कोटि स्तंभ आप की, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारी इसमें रो कितनी है, 1 2 3। एक रो ये हो गई 1 वाली, सेकंड रो 4 वाली और थर्ड रो 6 वाली, इसमें 3 रो है और स्तंभ कितना हो गया, 1, हो गया 3 1 3 बाई 1। ये इसकी ऑर्डर हो गई। क्लियर हो गया। अब
नंबर थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आगे ये क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इसमें दो पंक्ति हो गई R1, R2 और दो ये मेरा कॉलम C1 और दूसरा कॉलम C2। कहने का मतलब इसमें कॉलम और रो की संख्या बराबर है, इसीलिए ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर इसकी निकाले हम ऑर्डर कोटी हो जाएगा 2x2। दो इसमें पंक्ति हो गई, दो इसमें कॉलम हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल इसका कुछ भी ले सकते हैं हम, ये नहीं कहता जो मैं लिख रहा हूं उसी को तुम लोग अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो समझा यहां। तो इसमें देखो R1, ये R2, ये R3, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और यहां इधर लेंगे हम, तो ये C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम और C3 तीसरा कॉलम। कहने का मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। इसी कोटि क्या हो जाएगी? इसकी कोटि हो जाएगी 3x3। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? नंबर फोर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हिंदी में? विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव एक वन नहीं हो। क्लियर हो गया? क्या हो गया? ये डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें विकर्ण डायगोनल के कंपोनेंट्स को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव वन नहीं हो। विकर्ण के अवयव
वन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ये हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया। फिर डायगोनल डालो में क्या डायगोनल क्या होता है, जैसे ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया, इसमें तीन रो हो गई, तीन कॉलम हो गए, स्क्वायर रूट हो गया, इसमें डायगोनल होता है हमारा ये डायगोनल होता है। जैसे हमारा ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण ये होता है, ये भी होता है वर्ग का विकर्ण, लेकिन मैट्रिक में हम इसको नहीं लेंगे, हमको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग के विकर्ण ये दो होते हैं ना, एक ये होता है एक ये होता है, लेकिन हम यहां मैट्रिक में सिर्फ ये ही डायगोनल लेंगे, इसको नहीं लेंगे। क्लियर हो गया, तो ये हमारा डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया। अब आ जाओ इधर, डायगोनल मैट्रिक एक स्क्वायर मैट्रिक होता है जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़ के, एक अवयवों को छोड़ के, इनको छोड़ के अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। कहने का मतलब यहां जीव आएगा, यहां जीव आएगा, यहां जीव आएगा, यहां जीव आएगा, यहां जीव आएगा और यहां भी जीव आएगा। ये हमारी तीन बाय तीन कोटि का अवयव स्क्वायर मैट्रिक, ये है हमारा दो बाय दो कोटि का, इसका विकर्ण ये हो गया। विकर्ण को छोड़ के अन्य अवयव जीरो होते हैं, ये जीरो कर दिया हमने, ये जीरो कर दिया, तो ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स टू बाई टू कोटि का। क्लियर हो गया। जैसे सेकंड एग्जांपल, माना कोई बी मैट्रिक है हमारा, तो डायगोनल को छोड़ के, विकर्ण के अवयवों को छोड़ के बाकी अवयव ये शून्य होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट नंबर फाइव, इसके लिए मैट्रिक्स अदिश अभ्यू, अदिश अभ्यू, ये क्या होता है, ये अभ्यू भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक होता है, इसमें भी पंक्तिम संख्या और स्तंभ संख्या समान होती है। क्लियर हो गया, लिखेंगे मैट्रिक बी एक स्क्वायर मैट्रिक होता है, होता है जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव समान होते हैं। विकर्ण के अवयव समान होते हैं। अभी इससे पहले हमने क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स में उसके भी विकर्ण के अवयवों को छोड़ के बाकी शून्य होते थे, लेकिन उसमें जो विकर्ण के अवयव होते हैं, डायगोनल के कंपोनेंट्स होते हैं, वो समान नहीं होते, वो समान नहीं होते डायगोनल मैट्रिक में।
लेकिन इसमें विकार के अवयव समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया विकर्ण के अवयव समान होंगे बाकी शून्य होंगे। क्लियर हो गया। ये कोटि है इसकी 2y 2 के। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया विकर्ण के अवयव √5 √5 √5 है बाकी हमारे जीरो है। हम यदि एग्जाम्पल पूछे एग्जाम में तो हम इन्हीं एग्जाम्पलों को याद रखें, कोई जरूरी नहीं है हम √5 के स्थान पर 6 कर दो −2 कर दो कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि इसको तुम रटो, मैं कभी रटा नहीं जाता, सिर्फ समझा जाता है। जो अच्छे समझते हैं मैथ को रटते नहीं है, उनको कोई मैथ कठिन नहीं लगता। क्लियर हो गया। इसकी कोटी हो जाएगी 3/3। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा, कोई कठिन नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या बोलते हिंदी में तत्समक अवयव। इसमें क्या होता है, यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक होता है। कहने का मतलब डायगोनल मैट्रिक, स्केलर मैट्रिक्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक, ये तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक होते हैं। देखेंगे यह मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें विकर्ण के अवयव एक मतलब 1 होता है, वह अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। इसके जो डायगोनल के कंपोनेंट्स हैं वो 1 1 आएंगे, 1 1 आएंगे और बाकी के अवयव सभी शून्य होंगे। फॉर एग्जाम्पल माइनस को हम ए दे दें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसको डीवी सिवाय डी हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल आना बी हमारा ये 1 0 0 1। हमें इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई से। किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे आई से, आई से इसको दर्शाते हैं। कहने का मतलब अगर हमसे ये कहा जाए कि 2x2 कोटि का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दो, तो कैसे लिख सकते हैं i = ऐसे लिख देंगे। अगर 3x3 कोटि का हुआ तो उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है।
हम इसको आई से इग्नोर करते हैं। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट नंबर सिक्स, ये है जीरो मैट्रिक्स। सुनिए आप भी, क्या है शून्य अव्यूह, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक नहीं होता। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक नहीं होता। देखेंगे वो मैट्रिक जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं। इसके सभी अवयव सभी कंपोनेंट्स जीरो होंगे, इसे ओ से निरूपित करते हैं। इस तरह से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे नोट किया था, उसी तरीके से जीरो मैट्रिक को हम ओ से नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ए है मैट्रिक कोई जीरो 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 ऐसे है, तो उसको हम इस तरह से उसे नोट करते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड माना एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, इसको हम जीरो से नोट करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल इसको भी हम ओ से इग्नोर करेंगे। क्लियर हो गया। इसकी कोटि हो जाएगी, इसमें कोटि क्या होगी, इसकी पंक्ति कितनी है इसमें, वन टू, तो टू बाई कॉलम कितने हैं, वन टू थ्री, टू बाई थ्री। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, पंक्ति कितनी है इसमें, वन टू थ्री, और स्तंभ कितने हैं, वन टू, तो थ्री बाई टू कोटि का ये मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर का हो गया ये मैट्रिक। इसमें पंक्ति कितनी है, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इस पंक्ति कितनी है, आर वन आर टू आर थ्री, और कॉलम सी वन सी टू सी थ्री, ये थ्री बाई थ्री का हो गया। इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की सभी डेफिनेशन हो गई। अभी ये कहा जाए दो समान मतलब इक्वल मैट्रिक्स के एग्जांपल दो। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे हमारा ए मैट्रिक है कोई, दूसरा मैट्रिक है कोई हमारा हो गया ए वन वन कितना है, टू है, यहां क्या है ए वन वन कितना है, टू, यहां ए वन वन ये हो गया, ये भी टू है हमारा। ए वन टू कितना है, जीरो, इसमें ए वन टू कितना है, ये भी जीरो है। यहां ए वन थ्री फाइव है, इसमें भी ए वन थ्री फाइव है,
है ना, आपस में इनके सारे अवयव एकदम इक्वल हैं। यहाँ टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ फाइव है, यहाँ भी फाइव है। दूसरी लाइन है वन थ्री माइनस टू, इसकी दूसरी लाइन है वन थ्री माइनस टू, तीसरी लाइन है फोर माइनस वन थ्री, फोर माइनस वन थ्री, बिल्कुल सेम है, कोई हमारा अंक अलग नहीं है। तो हम बोलेंगे इसको अव्यू ए इक्वल टू बी, ये हमारे दो समान अव्यू हो गए। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसकी जो बेसिक नॉलेज है मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 के लिए ये कंप्लीट होती है हमारी। इसके आगे हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।